गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑनलाइन क्लासेस फॉर उर्मिला देवी पीजी कॉलेज प्रसार भरत प्रयागराज। टुडेज क्लास विल बी स्टार्ट ऑफ फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस इन द टॉपिक ऑफ टीनिया सोलियम। इन द टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम, तो स्टूडेंट्स आज हम आपको प्लेटिहेलमिन्थेस में जो टॉपिक लिए हैं टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम में हम आपको प्रजनन तंत्र के बारे में बताने चल रहे हैं। आज हम प्रजनन तंत्र जो होता है टैपवार्म में आर्टीनिया सोलियम में किस टाइप से होता है और इसमें जो प्रजनन है वह आपका अलैंगिक होता है या लैंगिक, इसके बारे में हम आपको डिटेल से लेके चल रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे आपका जो प्रजनन है यह आपका इनवर्टिब्रेट पेपर शुरू करने चल रहे हैं। तो इनवर्टिब्रेट पेपर्स में जो आपका फर्स्ट पेपर है लोअर नानकार्डेटा, तो लोअर नानकार्डेटा में स्टूडेंट्स आपके टोटल चार फाइलम दिखाए गए हैं, फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस। इस तरीके से जो हमारे फाइलम हैं जिसमें से हमने आपको फाइलम प्रोटोजोआ पोरीफेरा को पढ़ा दिए हैं, उसी से रिलेटेड आपके फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस लेके चल रहे हैं जो कि आपके लास्ट यूनिट का ये टॉपिक है। तो लास्ट यूनिट में हम आपको प्लेटिहेलमिन्थेस में जो टैपवार्म लिए हैं टीनिया सोलियम उसमें हम आपको आज प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। तो प्रजनन तंत्र जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम टैपवार्म में मेसनी आपका जो है हर्माफ्रोडाइट होता है। स्टूडेंट हर्माफ्रोडाइट जो आपके उभयलिंगी होते हैं, और उभयलिंगी का मतलब होता है कि टैपवार्म के एक ही बॉडी में, जैसे कोई टैपवार्म है, एक टैपवार्म में जो उनके शरीर में दोनों सेट होते हैं मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, दोनों उनके जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब अदर एनिमल्स होता तो उनमें इस टाइप का नहीं होता, उसमें थोड़ा सा अलग होता है, सेपरेट होते हैं, तो मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो हम आपको आज जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप टीनिया सोलियम पढ़ाने चल रहे हैं, सबसे मेनली बात है कि ऑल टैप वार्म एक्सेप्ट डायक्सो सिस्टर्स आर द हर्माफ्रोडाइट ईच प्रोग्लॉटिड्स एट मैच्योरिटीज कंटेन ए कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ टैप वार्म। तो इसमें डिक्टोसिस्टस जो एनिमल्स के अलावा आपके जो टैपवार्म हैं इन सब में एक तरीके से लीवर फ्लूक हुआ, इन सब में जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो हर्माफ्रोडाइट टाइप का होता है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स होता है उभयलिंगी, और उभयलिंगी का मतलब होता है कि बॉडी के एक ही बॉडी में एनिमल्स अलग अलग नहीं होते हैं, एक बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल पाए जाते हैं। तो अब यहाँ बात ये आती है कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेक्स ऑर्गन्स हैं एक ही बॉडी में, तो वहाँ पे स्पर्म और ओवा को किस प्रकार से वह रिलीज करके फर्टिलाइज करते हैं। तो हम अब आप इसमें जो मेनली आप देखते हैं कि टैपवार्म की बॉडी में मेनली आपके जो त्रिस्तरीय तीन स्तर से मिलके बना होता है,
एक आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये सब जो तीनों पार्ट है एक तरीके से हम जर्म लेयर के नाम से जानते हैं। जर्म लेयर कहा जाता है कि यह जनन के लिए होता है, जो रिप्रोडक्शन के लिए पाए जाते हैं। तो इनमें मेनली आपका जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। और मेनली इसमें टैपवॉर्म की बॉडी में आपके तीन पार्ट्स होते हैं, स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोविला होता है, जो कि स्कॉलेक्स पार्ट्स में आपके सकर्स पाए जाते हैं। और आप सकर्स की बात आती है तो सकर्स में आपके हुक्स पाए जाते हैं, और अगर हुक्स हैं तो हुक्स एक काइटिनियस होता है, और काइटिनियस के साथ साथ उसमें आपके जो है स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कंडिकाएँ होती हैं जो कि हुक कहते हैं। और हुक में आपके जो दो रो होता है, दो रो में टोटल 22 से 32 जो है कर्व हुक पाए जाते हैं। और हुक का कार्य होता है कि यह पोषद के जो फाइनली होस्ट है मैन, उसकी पोषद जो होते हैं, जो इंटेस्टाइन की वाल होती है, उसको जो है वो अपने हुक की सहायता से ब्लड को सकिंग करते हैं। एक तरीके से एनिमल्स का जो भोजन है वो डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या करता है कि उसका उस पोषद को जो है कंप्लीट करने का काम करता है, पोषद को एक तरीके से शकिंग करता है, और शक करने के बाद जो है वो एक तरीके से अपना जो है कंप्लीट करता है भोजन। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब इसमें जो स्कॉलेक्स के बाद नेक होता है, और नेक में क्या है कि कोई सेगमेंट नहीं होता। सबसे मेन बात यह है कि टैपवॉर्म की बॉडी में जो है नेक पाए जाते हैं, नेक और स्कॉलेक्स और स्ट्रोविला होता है, और इनकी बॉडी में जो सेगमेंट पाए जाते हैं, तो हेड और नेक में कोई सेगमेंटेशन नहीं है। और जो स्ट्रोविला होता है, स्ट्रोविला में आपके जो थ्री टाइप से सेगमेंट होते हैं, एक तो पहला आपका इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स, सेकंड मेच्योर, और थर्ड ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। अब यहाँ पे जो ये तीनों प्रोग्लॉटिड्स आर सेगमेंट्स हैं, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो मेनली आपका जो फर्स्ट है इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स में, इसमें कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। और जो आपका मेच्योर के बाद जो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स आता है, उसमें आपके मेनली जो रिप्रोडक्शन के लिए सेगमेंट होते हैं, खंड पाए जाते हैं। अब उसमें जैसे आपका मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स में जो सेगमेंट हैं वो टोटल 450 सेगमेंट पाए जाते हैं छात्रों, 450 सेगमेंट हैं। और 450 में जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि मेल सेगमेंट आपके 100 से 150 जो सेगमेंट होते हैं उस पे हमारे नर जननांग जो है व्यवस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, और बाकी 250 सेगमेंट जो शेष बचते हैं उस पे बोथ सेक्स ऑर्गन, मतलब कि दोनों सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल पाए जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो उस पे अरेंज होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोग्लॉटिड्स है, प्रोग्लॉटिड्स ही मेन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए वो आपके मेनली जो आपके सेक्स ऑर्गन हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स है, तो मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स में आपके जो मेन सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल होते हैं, कि जो सेकंड आपके होते हैं, कि जैसे आपको दिखाया गया है कि इसमें जो प्रोग्लॉटिड्स पाए जाते हैं, तो प्रोग्लॉटिड्स में मेनली आपके तीन होते हैं, एक आपका इमेच्योर और सेकंड मेच्योर, और थर्ड आपका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ जो ग्रेविड्स की बात आती है, तो अब ग्रेविड्स में मेनली आपके जो ग्रेविड्स प्रोग्लॉटिड्स हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग्स प्रोवाइड किए जाएंगे,
फर्टिलाइज एग्स जो है उसमें जाएंगे, और जो मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स है तो मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स में आपके मेनली जो कहते हैं कि सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो अभी हमने उभयलिंगी की बात कहा, तो बॉडी में जो प्रजनन है वह उभयलिंगी टाइप से होता है। तो उभयलिंगी में आपके एक ही बॉडी में दोनों सेट जो है सेक्स ऑर्गन्स के होते हैं, मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे जो इमेच्योर प्रोग्लॉटिड्स की बात है, तो उसमें आपके मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो आपके मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स है, इसमें हमारे जो है दो सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल होते हैं, और वो मेल और फीमेल, मेल हमने बता भी दिया कि मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो सेट बनता है वो 100 टू 150 सेगमेंट पे, 100 से 150 सेगमेंट पे आपका जो है कि मेन वो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनरेट होते हैं, और 250 जो सेगमेंट होते हैं उस पे हमारे दोनों सेक्स ऑर्गन एक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोग्लॉटिड्स, जो मेनली आपके प्रोग्लॉटिड्स की बात आई कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होंगे वो आपके प्रोग्लॉटिड सेगमेंट पे ही होंगे, जो थर्ड पार्ट ऑफ टैपवार्म का है, जो पहला स्क्वालेक्स, दूसरा आपके नेक, और तीसरा जो है स्ट्रोबिला। तो स्ट्रोबिला पार्ट में ही आपके प्रोग्लॉटिड्स पाए जाते हैं, और वो प्रोग्लॉटिड्स तीन होते हैं, इमेच्योर, मेच्योर और ग्रेविड, जो कि मेच्योर में कोई भी आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं जनरेट होते हैं, और मेच्योर में सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि मेल 100 से 150 सेगमेंट पे, और फीमेल जो होता है हमारा वो 250 सेगमेंट पे होते हैं। और थर्ड बात ये आती है कि इसमें जो आपके रिप्रोडक्शन होते हैं, और ग्रेविटी जो प्रोग्लॉटिड्स होता है, ग्रेविटी प्रोग्लॉटिड्स में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो जब ओवा और स्पर्म को फ्यूज करते हैं, तो उससे जो हमारे फर्टिलाइज एग्स होते हैं वहाँ जा करके स्टोर्ड होते हैं, उसके बाद एक नया जो है कि क्या कहते हैं कि एक नया टैपवार्म जो है वहाँ से उत्पन्न होगा। तो छात्रों, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टैपवार्म है, द टीनियस ओलियम इज द रिप्रोड्यूसेस ऑफ द टू टाइप, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला क्या है, नर जनन तंत्र, और दूसरा है मादा जनन तंत्र। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, अब उसमें आपके निम्नलिखित भाग हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टैपवार्म इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ टेस्टिस, सेकंड वासा इफरेंडिया, थर्ड वास डिफरेंस, फोर्थ सीरास, और फिफ्थ जो है जिनाइटल एट्रियम। अब यहाँ पे जो मेन पहला है आपका टेस्टिस, टेस्टिस को आप जानते हैं कि इसको हम वृषण के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है वासा एफ्रेंटिया, इसको हम शुक्र नलिकाएं या शुक्र वाहिकाएं कहते हैं, और वास डिफरेंस ये भी आपका शुक्राशय, जहाँ पे स्पर्म जो है स्टोर्ड होते हैं। और अगला पॉइंट है सीरास, सीरास और पेनिस मीन्स ए मेल का एक कपलेटरी ऑर्गन्स है, और ये जिससे वो कपलेट करता है, फर्टिलाइज करता है, जिससे वो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्पर्म को रिलीज करता है उसकी माँ ऑर्गन से। और पांचवा है जिनाइटल एट्रियम, इसको हम जनन गुहा और जनन छिद्र भी कह सकते हैं छात्रों। तो इसमें जो मेनली हमने आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टोटल पांच पार्ट, पांच भाग पाए जाते हैं, जो कि पहला टेस्टिस है जिसे हम वृषण कहते हैं, दूसरा वासा एफ्रेंटिया है जिसे हम शुक्रवाहिकाएं कहते हैं, और तीसरा है वास डिफरेंस जिसे हम कहते हैं शुक्राशय, और अगला पार्ट है सीरास जिसे हम कहते हैं। यह टैपवार्म का जो है मेल ऑर्गन कपलेशन के लिए होता है, जिसे आप कह सकते हैं लिंग होता है, और अगला पार्ट है जिनाइटल एट्रियम, इसको हम जनन छिद्र या जनन गुहा के नाम से जानते हैं। तो अब वृषण की बात आई, तो वृषण जो टैपवार्म में होते हैं,
ये अभिसरण जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। अब देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ढेर सारे टेस्टिस पाए जाते हैं, लेकिन ढेर सारे टेस्टिस नहीं होते हैं। अब उसमें क्या है कि टेस्टिस का एक भाग, उसमें सब टेस्टिस मीन्स छोटे छोटे पार्ट आपको दिखाई देते हैं, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके टेस्टिस हैं, और टेस्टिस में आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनियम जो कहते हैं ना कि वृषण होगा तभी हमारा स्पर्म जनरेट होगा, क्योंकि वृषण एक तरीके से स्पर्म का एक मेन ऑर्गन है जो कि उसमें से स्पर्म को रिलीज कराता है। तो स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्म टू स्पर्म। तो जो टेस्टिस से आपके क्या उत्पन्न करता है, वो आपके स्पर्म को उत्पन्न करता है, और स्पर्म जब हो जाता है तब जा करके वो पूरी तरीके से वो रिलीज करता है, और वो एक तरीके से कह सकते हैं कि टेस्टिस जो होता है वह एक स्पर्म सेंटर कहलाता है, कि वह उसमें ढेर सारे स्पर्म बनते हैं, और यह टेस्टिस हमारा जो होता है मेन, वो क्या करता है कि टेस्टिस में जो होते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस में जो सिंगल होते हैं उसमें छोटे छोटे पार्ट टेस्टिस के पाए जाते हैं, और इसको हम ग्रीन बोर्ड पे आपको डिफाइन भी किए हैं। तो जो पहला पार्ट है टेस्टिस, तो उसका डेफिनेशन देख लीजिए, टेस्टिस आर न्यूमेरस स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेसेनकाइम। मेनली जो टेस्टिस होता है वो मेसेनकाइम में धंसे होते हैं, मेसेनकाइम में पाए जाते हैं, और उनकी संख्या असंख्य होती है, लेकिन आपको हम दिखाएंगे, मतलब जो दिखा रहे हैं उसमें क्या आपको पॉइंट के माध्यम से कि टेस्टिस जो होता है सिंगल होता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे पार्ट ढेर सारे पाए जाते हैं, इसीलिए हमने क्या कहा कि न्यूमरस स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। जो टेस्टिस की बॉडी का जो आकार होगा वह छोटा और गोलाकार होता है, और वो टेस्टिस जो होते हैं मेसेनकाइम में पाए जाते हैं। अभी तक आपको हमने बताया कि जो मेसेनकाइम है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, यहाँ जो मेसेनकाइम जो मध्य का भाग है उसमें जाकर के जो टेस्टिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि क्लोज टू द डार्सल सरफेस, और ये मेसेनकाइम के ऊपरी सतह पे, मतलब टेस्टिस जो होता है वो देखने में छोटा गोलाकार और मेसेनकाइम के ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। सम वर्कर्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट द न्यूमरस राउंडेड बॉडी रेफर टू एज टेस्टिस। तो टेस्टिस का जो बॉडी होता है वो आपका राउंडेड होता है, और देखने में आपके असंख्य दिखाई देते हैं छात्रों। तो ये जो टेस्टिस का मेन वर्क है, टेस्टिस आपका केवल वह स्पर्म को रिलीज करता है, स्पर्म को एक तरीके बनाने का काम करता है। अगर हम आपको बताएं कि जो टेस्टिस है यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पहला पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, अगर टेस्टिस नहीं होगा, वृषण नहीं होगा, तो किसी भी स्पर्म का निर्माण नहीं हो सकता है। और यह टेस्टिस एक्टिव तभी होता है, जैसे ह्यूमन बींग में अगर कहा गया या अदर मैमल्स में कहा गया, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स पाए जाते हैं जो टेस्टिस को जो है एक्साइटेड करते हैं, और उनको जो है एक्टिव करते हैं, जिसकी सहायता से स्पर्म काफ़ी संख्या में बनना स्टार्ट होते हैं। तो छात्रों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वासाइफ्रेंडिया, वासाइफ्रेंडिया को हम शुक्रवाहिकाएँ या शुक्रनलिकाएँ कह सकते हैं, और यह एक तरीके से जो वासाइफ्रेंडिया है यह टेस्टिस पार्ट से दोनों तरफ से कनेक्ट होता है। एक पतली नली होती है जो राइट और लेफ्ट साइड से जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट राइट और लेफ्ट साइड मतलब जो टेस्टिस का पार्ट है उसके दाहिने और बाएं तरफ से ये जॉइंट होता है, और जॉइंट होने के बाद क्या करता है कि जो स्पर्म टेस्टिस से रिलीज होते हैं वो दोनों नलिकाओं में जाने लगता है, और जाने के बाद ये कुछ टाइम तक आपके वास डिफरेंस में रुकते हैं, और रुकने के बाद तब जो है सिरास
सैक आर पेनिस में पहुंचते हैं। तो अब यहाँ जो इसका डिफिनीशन है आप देख लीजिए, फ्रॉम ईच टेस्टिस एराइजेज ए फाइन डक्टियोल द वास इफरेंस, मीन्स यहाँ पे जो आपके ईच टेस्टिस एक टेस्टिस में आपके फाइन जो अति अच्छा सुंदर जो डक्टियोल्स जो आपके वाहिकाएं हैं उनमें जाने का प्रयास करता है और जाता भी है, विच फ्रिक्वेंटली गेट इंटरकनेक्टेड विथ सिमिलर डक्टियोल फ्रॉम द सराउंडिंग टेस्टिस। तो क्या करता है कि यह एक तरीके से सिमिलर डक्टियोल जो है सराउंडिंग टेस्टिस मतलब टेस्टिस के चारों तरफ टेस्टिस को घेरे रहता है। ऑल द वास्ट इफ्रेंटिया फाइनली यूनिट अप्रॉक्सिमेटली द मिडिल ऑफ प्रोग्लॉटिस टू फॉर्म ए कॉमन स्पर्म डक्ट आर वास डिफरेंस। तो जितने भी वासा इफ्रेंटिया है ऑल द वासा इफ्रेंटिया द फाइनली फाइनली यूनिट अप्रॉक्सिमेटली द मिडिल ऑफ प्रोग्लॉटिस, तो इसमें जो मिडिल का जो प्रोग्लॉटिस है वहाँ पे ये पूरी तरीके से सक्रिय होकर के स्पर्म डक्ट में जुड़ते हैं, मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं इसको कॉमन स्पर्म डक्ट आर वास डिफरेंस। तभी क्या करता है कि स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस में ट्रांसफर करते हैं, जैसे टेस्टिस से स्पर्म लिया और वासा इफ्रेंडिया में गया और वासा इफ्रेंडिया क्या करता है वास डिफरेंस को ट्रांसफर कर देता, वास डिफरेंस को दे देता है और वास डिफरेंस जो होता है वो सिरास सैक आर पेनिस को देता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वास डिफरेंस, इट इज ए थिक एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द लेटरल मार्जिन आप प्रोग्लॉटिड एट राइट एंगल टू इट। तो इसमें जो आपके वास डिफरेंस है देखने में वो आपके मोटे और ट्यूब होते हैं, मोटे नलियां होती हैं और एक्सटेंडिंग अप टू द लेटरल, और वो कहाँ पे एक्सटेंड करता है राइट एंगल टू इट ऑफ प्रोग्लॉटिड, प्रोग्लॉटिड के दाहिने तरफ पे जो है वास डिफरेंस होता है जो स्पर्म ले जाता है, स्पर्म डक्ट कहते हैं उसी को हम वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। तो छात्रों जो वास डिफरेंस है वो क्या करता है स्पर्म को धीरे धीरे सिरास्तय की तरफ ले जाता है, जैसे एनिमल अगर वह रिप्रोडक्शन के लिए एक्टिव होता है तभी हमारे टेस्टिस जो एनिमल का टेस्टिस है और वो टेस्टिस से ही स्पर्म को रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद वह वासा इफ्रेंडिया को देता है और वासा इफ्रेंडिया वास डिफरेंस को और वास डिफरेंस जो होता है वो सिरास्तय को देता है। तो नेक्स्ट जो सिरास आर पेनिस है वो मेन आपका क्या है एक ही कपलेटरी आर्गन्स है स्टूडेंट, कपलेटरी आर्गन्स मेल का है। तो अब यहाँ पे मेल का जो कपलेटरी आर्गन्स है तो अब यहाँ पे जो सिरास है उसका डेफिनेशन आउटर एंड ऑफ वास डिफरेंस फ्रॉम द ल्यूमेन ऑफ ए थिक मस्कुलर इवर्सिबल कपलेटरी आर्गन द सिरास इनक्लोज इन ए फिर्म सिरास देयर इज नो सेमिनल वेस्ट। तो छात्रों यहाँ पे जो हम अभी सिरास सैक आर पेनिस की बात बताएं कि इसमें आपका सेमिनल वेसिकल्स नहीं होता है, सुक्रा जो आपका सेमिनल वेसिकल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं और यह देखने में आपका थिक मस्कुलर होता है, एक मोटा लेयर होता है और इस तरीके से यह मेन आपके कपुलेशन करने वाला आर्गन्स है। एनिमल में कपुलेटरी आर्गन्स को हम पेनिस आर सिरास से कहते हैं, और अगर सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो वह लिंग होता है जिसकी सहायता से वो एक तरीके से स्पर्म को छोड़ता है और ओवम पार्ट को फर्टिलाइज करता है, निषेचन करने वाले अंग होते हैं सिरास आर पेनिस है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव का आर्गन्स का है जेनाइटल एट्रियम। तो ये क्या है आपकी जनन गुहा होती है कि मतलब सारे आर्गन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे आर्गन्स हमने दिखाया है एनिमल्स का उसमें जो टेस्टिस है वासा इफ्रेंडिया है वास डिफरेंस है
सिराज है, कार्पेनिस है, इसके बाद जिनाइटेलेट्रियम है। तो कहने के मतलब सारे ऑर्गन्स ये क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव मटेरियल को ले जाने का काम करते हैं, और लास्ट में अगर जनन गुहा नहीं होगी तो वो कैसे जनन पोर कैसे वो निकलेंगे बाहर, और बाहर निकलने के बाद फीमेल ऑर्गन में कैसे ट्रांसफर्ड होंगे। इसलिए जो लास्ट पार्ट है हमारा जिनाइटल एट्रियम वो है सिरास ओपन इनटू ए कप शेप्ड जिनाइटल एट्रियम। सिरास जब ओपन होता है, जैसे ही मार्ग में पहुंचता है आगे की तरफ, तो कैसे आगे होगा, कैसे निकलेगा, तो वहाँ पे आपका सिरास देयर इज नो सॉरी ओपन इनटू ए कप शेप्ड जिनाइटल एट्रियम थ्रो मेल जिनाइटल पोर। क्या है कि जिनाइटल एट्रियम से वो थ्रो कहाँ करता है, जिनाइटल पोर में, जनन छिद्र में, और जिनाइटल एट्रियम इन टर्न ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रो द कॉमन गोनोपोर। यहाँ पे जो लास्ट है जिनाइटल एट्रियम टर्न ओपन द एक्सटीरियर थ्रो द कॉमन गोनोपोर। एक तरीके से यहाँ पे एक सामान्य जो है गोनोपोर पाए जाते हैं। छात्रों, जो हमने आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ टीनियोसोलियम, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ टीनियोसोलियम में आपके पांच मेन जो है सब ऑर्गन्स थे। तो अब यहाँ पे ऑर्गन्स में जो हमने आपको बताया कि टेस्ट स्वास्थ्य डिफरेंट या वास डिफरेंस, इस तरीके से हमने आपको जो बताया कि ये आपके स्पर्म को रिलीज करते हैं, तो स्पर्म को रिलीज करने के साथ साथ जैसे टेस्टिस आपको स्पर्म को रिलीज किया और वासा स्टेंटिया को लिया, फिर वास डिफरेंस, सिरास, जिनाइटल एट्रियम, इस तरीके से हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव एंड हुआ। अब हम आपको सेकंड पॉइंट की तरफ लेके चल रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो टाइप है रिप्रोडक्शन का वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र। अभी हमने आपको नर जनन तंत्र के बारे में बताया, अब उसी तरीके से मादा जनन तंत्र है जिसमें आपके सिक्स पार्ट है, वहाँ पे फाइव पार्ट था, यहाँ पे आपके सिक्स पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पीनियासोलियम में पाए जाते हैं। तो जो पहला टाइप है ओवरी, ओवरी आपका जो होता है अंडाशय जिसे कहते हैं, तो ओवरी मेनली आपके सिंगल होते हैं। तो अभी तक जो टेस्टिस की बात आई वहाँ पे भी सिंगल थे, यहाँ पे ओवरी भी सिंगल है। अब टेस्टिस का जो काम था कि स्पर्म का फॉर्म करता है, वैसे ओवरी जो है ओवा को फॉर्म करता है, ओवा को बनाने का काम करता है। तो ओवरी जो पहला टाइप है ए सिंगल बाइलोब्ड ओवरी आर जर्मेनियम लाइज वेंट्रली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोग्लॉटिड। तो यह जो ओवरी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोग्लॉटिड, प्रोग्लॉटिड के पश्च भाग पे निचले सतह पे पाया जाता है, वेंट्रली पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोग्लॉटिड। तो जो आपके ओवरी आर जर्मेरियम जो आपके अंडाशय होते हैं वो प्रोग्लॉटिड के पिछले पार्ट में और एक तरीके से निचले सतह पे पाए जाते हैं। ईच लोब ऑफ द ओवरी इज डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड एंड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ रेडियली अरेंज्ड जर्मिनल कार्ड आर फॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे जो पहला लोब है, ईच लोब मतलब ओवा का जो ओवरी का एक लोब जो है कि ऊपरी सतह डार्सो वेंट्रली थोड़ा ऊपर निचले सतह पे आपका चपटे और नंबर में जो है आरीय तरीके से जो है वो अरेंज होते हैं, जिसे हम फॉलिकल्स भी कहते हैं, फॉलिकल सेल्स, जो कि ये जर्मेरियम सेल्स कहलाते हैं। ये फॉलिकल सेल्स होते हैं तभी ओवा जो है रिलीज होता है और सक्रिय रहता है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि द राइट एंड लेफ्ट लोब आर कनेक्टेड मेडियली बाई ए ट्रांसवर्स टिब्यूलर ब्रिज द ओवेरियम स्थमस। अब जहाँ पे ये ब्रिज पाया जाता है जिसको हम स्थमस कहते हैं, वहाँ पे ओविडक्ट और ट्रांसवर्स टिब्यूलर
या जो आपके राइट और लेफ्ट जो लोब पाए जा रहे हैं वो जाकर के स्टमक पे जो है अरेंज होते हैं। तो छात्रों ये जो ओवरी है, जो अंडाशय है, ये सिंगल होता है और सिंगल आपके जो होते हैं वो प्रोग्लॉटिस के पश्च भाग पे निचले सतह पे अरेंज होते हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से आपके राइट और लेफ्ट एरिया जो आर कनेक्टेड, तो लेफ्ट राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को कनेक्ट करने वाला एक नया जो ब्रिज बनाता है उसका नाम है स्थमस, जहाँ पे आपके ओविडक्ट और क्या कहते हैं ओवेरियन सभी जा करके जुड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओविडक्ट। अब ओवरी जो है रिलीज करता है ओवा को, तो ओवा किस मार्ग से जाएगा, तो वह है आपका ओविडक्ट जो कि ओवा को ले जाने वाला वेज है। कैसे वो वहाँ पे ले जा करके इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट जो ओविडक्ट है ये साल्ट ओविडक्ट एराइजेज फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ ओवेरियन स्थमस। तो ये ओविडक्ट आपका साल्ट होता है और वो कहाँ पे एराइजेज कहाँ पे खुलता है जाकर के आपके ओवेरियन स्थमस में के मिडिल पार्ट में जाके कनेक्ट होते हैं। इट रन बैकवर्ड ज्वाइन अनदर ट्यूब द वेजाइना एंड देन द फॉर्म ए स्वॉलन चैम्बर्स द ओ टाइप। ओविडक्ट जो है जो सिलेंडर ट्यूब वेजाइना की है वहाँ पे जाकर के करेक्ट होते हैं और वहाँ से जो आपके फूला हुआ चैम्बर होता है स्वॉलन चैम्बर ओ टाइप, तो जो मोटा आपका चैम्बर होता है उसको हम क्या कहते हैं ओ टाइप, एक इस पर ओवल स्ट्रक्चर होगा आपके ओविडक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है ओ टाइप। अब ओ टाइप क्या है, इट इज द स्मॉल राउंडेड चैम्बर फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ ओविडक्ट यूट्रस एंड विटेलाइन डक्ट, इट इज सराउंडेड बाय द न्यूमरस यूनिसेल्युलर महलिस ग्लैंड्स। तो अब यहाँ पे जो ओ टाइप है छात्र, ओ टाइप देखने में छोटा गोलाकार होता है और वह एक कोष की यूनिसेल्युलर, उसमें एक कोष की जो है महलिस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि संख्या में ज़्यादातर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका स्मॉल राउंडेड चैम्बर है ओ टाइप का छात्रों, तो स्मॉल जो आपका ओविडक्ट के बाद एक आपका स्मॉल ओ टाइप स्वॉलन चैम्बर मतलब खुले हुए भाग को हम ओ टाइप कहते हैं और यह बिल्कुल आपका ओ टाइप को जो सराउंडिंग करता है वो है आपका महलिस ग्लैंड जो संख्या में ज़्यादातर पाए जाते हैं और ये ओ टाइप एक तरीके से ओवा का ही सपोर्ट करते हैं। अब जैसे आपको हमने आपको बताया कि ओवरी सिंगल है और यह प्रोग्लॉटिस के पश्च भाग पे निचले सतह पे अरेंज होता है और ओवरी का मुख्य कार्य होता है कि वह ओवा को रिलीज करता है और ओवा को रिलीज करने के साथ साथ यह जो है उसमें ओवेरियन स्थमस जो ब्रिज बनाता है और ब्रिज बना जब ओवा उत्पन्न हो गया तो ओवा को ले जाने वाला जो मार्ग होता है वो ओविडक्ट होता है जो सेकेंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ओविडक्ट क्या करता है, आपका साल्ट नैरो ट्यूब होता है जो मिडिल में पाए जाते हैं और वह ओवेरियन स्थमस से जाके ज्वाइंट होते हैं और उससे ज्वाइंट होने के बाद एक नए वही ओविडक्ट से आपके पतले जो ट्यूब होते हैं जिसे हम वेजाइना कहते हैं। वेजाइना क्या है कि फीमेल का कपलेटरी आर्गन है छात्रों। तो ये जैसे अभी हमने मेल का कपलेटरी आर्गन बताया वैसे आपका फीमेल का कपलेटरी आर्गन है। तो अब यहाँ पे ओ टाइप क्या है कि यह राउंडेड चैम्बर होता है और यह यूनियन आप ओविडक्ट यूटेरस और सभी को एक तरीके से जोड़ने का काम करता है और इसमें आपके विटेलाइन ग्लैंड होते हैं। अब छात्रों विटेलाइन ग्लैंड एक नया ग्लैंड है। विटेलाइन क्या करता है कि यह योक मटेरियल्स को सिक्रीटिंग करने का काम करता है। योक को कैसे वो सिक्रीट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे विटेलाइन जो मेम्ब्रेन है वो ढेर सारे योक मटेरियल को एक तरीके से सिक्रीशन करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो सराउंडिंग जो विटेलाइन को जो सराउंडिंग किया है वह न्यूमरस यूनिसेलुलर महलिस ग्लैंड्स होता है।
तो विटेलाइन ग्लैंड को सिक्रीशन, अभी ऊ टाइप के बगल विटेलाइन, और विटेलाइन को जो सराउंडिंग करता है वो है मेहलिस ग्लैंड्स, क्योंकि मेहलिस ग्लैंड्स एक तरीके से योक मटेरियल को सिक्रीशन कराता है, जो विटेलाइन ग्लैंड है, विटेलाइन ग्लैंड से योक सिक्रीशन होता है। अगर योक अगर नहीं है ओवा में, तो सोचिए कि वह ओवा जो है एक्टिव नहीं होगा, वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। आप न जानते रहेंगे स्टूडेंट कि अगर स्पर्म है तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर ओवा है वो कैसे फर्टिलाइज करेगा? अगर योक मटेरियल नहीं है तो वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, वो एक्टिव नहीं रहता है। अब देखा जाए तो योक की मात्रा, जैसे कि आप इसमें तो नॉर्मल रहेगा, अगर बर्ड्स को देखा जाए तो जो आपके कॉर्डेटा में है तो वहाँ पर योक की मात्रा सबसे अधिक होती है, और योक का काम ही होता है कि वह ओवा को एक्साइट करता है और वह एक तरीके से फर्टिलाइजेशन के लिए एक्टिव होगा। चाहो नेक्स्ट पॉइंट है वेजाइना। वेजाइना इज द कपलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल टैपवॉर्म। टैपवॉर्म का जो मादा जनन अंग है वो है आपका वेजाइना, और वेजाइना देखने में एक पतली ट्यूब के जैसा दिखता है। तो वेजाइना इज ए वेंट नैरो ट्यूब, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द फीमेल जिनाइटल पोर लोकेटेड बिहाइंड द मेल जिनाइटल एट्रियम। तो वेजाइना आपको देखने में पतला ट्यूब जैसा दिखता है, और इसमें आपके फीमेल जिनाइटल एट्रियम होते हैं जो मेल जिनाइटल एट्रियम के जस्ट पीछे ओपन होते हैं। तो इसलिए पीछे होते हैं कि जैसे मेल अपना स्पर्म अगर इसमें ट्रांसफर कर रहा है तो जस्ट बगल में फीमेल जिनाइटल पोर है, तो जिससे वो आसानी से उसमें ट्रांसफर हो जाए। छात्रों ये तो वेजाइना की बात आई, और वेजाइना में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वेजाइना में से होते हुए जो स्पर्म, अब देखा जाए कि मेल जो होता है वो हमेशा रिलीज करता है, मेल जो है कि हमेशा स्पर्म को रिलीज करता है, तो वह अपने कहते हैं कि वासा एफरेंट या वास डिफरेंस सिरासेक की सहायता से वो धीरे धीरे जो है फीमेल के ओविडक्ट, जिसे ओवा है तो ओवा जो है कि ओविडक्ट की सहायता से फिर आपके ऊ टाइप से वेजाइना, और वेजाइना से फिर विटेलाइन ग्लैंड, तो विटेलाइन ग्लैंड से यूट्रस पार्ट में जाते हैं। तो छात्रों ये आपका जो मेनली जो पार्ट्स है, अभी हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आप उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और उसके बाद समझ में आ रहा है तो उसको आप नोट करते चलिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है विटेलाइन ग्लैंड। विटेलाइन ग्लैंड अभी हमने आपको बताया कि विटेलाइन ग्लैंड फीमेल जो ऑर्गन्स है, फीमेल जिनाइटल जो कोर है उसको एक तरीके से सक्रिय करता है, और विटेलाइन का जो मेन डिफिनीशन है ए लार्ज लोबुलेटेड ग्लैंड द विटेलाइन ग्लैंड आर विटेलेरिया फॉर्म ए कॉम्पैक्ट एलिप्टिकल मास बिहाइंड द ओवरी, इट इज कनेक्टेड विद द ऊ टाइप बाई ए शॉर्ट मीडियन विटेलाइन डक्ट। विटेलाइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द न्यूमरस फॉलिकल सेक्रेटिंग योक है। अब विटेलाइन जो सेक्रीशन करता है एक तरीके से योक सेल का सेक्रीशन करता है, फॉलिकल सेल्स का, और फॉलिकल सेल्स हमेशा फीमेल आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही पाए जाते हैं। छात्रों जो विटेलाइन ग्लैंड्स है ये आपका लार्ज होता है, लोबुलेटेड ग्लैंड्स है, ये फीमेल ऑर्गन की सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, और योक के सहारे ही पूरा फर्टिलाइजेशन संभव है। अगर योक नहीं पाया जाएगा तो एनिमल जो फीमेल एनिमल्स है वो एक्टिव नहीं हो पाएगा, और जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन संभव नहीं है, प्रजनन संभव नहीं है। और यह विटेलाइन जो ग्लैंड्स है ये मेनली जो फंक्शन दिखाता है, जो फंक्शन करता है वो है आपका योक एंड फॉलिकल सेल। अगर योक नहीं होगा कोई आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा फिर एनिमल्स कैसे संभव होगा, तो एनिमल्स कैसे वो फर्टिलाइज करेगा। और इसके बाद इसमें जो अगला पार्ट है यूट्रस,
यूट्रस जिसे आप कहते हैं गर्भाशय, तो गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय में क्या होता है कि फर्टिलाइज टेस्ट जा करके स्टोर्ड होते हैं, और स्टोर्ड होने के बाद तब वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पे आपका जो है जनरेट हो करके और एक नया टैप वार्म बनाने का प्रयास करते हैं, और एक नया टैप वार्म में जब बनता है तब जा करके वो क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स। तो यूट्रस पार्ट, यूट्रस को हम गर्भाशय कहते हैं। फ्रॉम टू टाइप एराइज ए ब्लाइंड एंड सिलेंड्रिकल ट्यूब द यूट्रस एक्सटेंडिंग अप टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ प्रोग्लॉटिस। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रॉक्सिमल शॉर्ट एंड नैरो ट्यूब्यूलर पोर्शन। द यूट्रस यूट्रिन डक्ट डिस्टल ब्रॉड एंड फॉर्मिंग द यूट्रिन एक्सपेंशन। यूट्रस द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द टाइप वन। यूट्रस पार्ट जो होता है मेनली वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है कि एक तरीके से मेन पार्ट होता है। तो यूट्रस हमने आपको गर्भाशय बताया, तो गर्भाशय में जितने भी फर्टिलाइजेक्स हैं वो टीन या सोलियम के जितने भी फर्टिलाइजेक्स हैं वो एक तरीके से वहाँ पे जाके इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वो क्या करते हैं कि आगे एक नए टाइप वार्म का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका लाइफ साइकिल एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो मेनली जो लाइफ साइकिल है वो आप जानते हैं कि इसमें जो पहला पॉइंट होगा कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन है। आप जानते हैं कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अगर वो कंप्लीट बन जाता है, तंत्र पाए जाएंगे, तब जाकर के स्पर्म और ओवा जब रिलीज होते हैं, तब जाकर के सारे सिस्टम जब कंप्लीट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तब वो फर्टिलाइजेशन शुरू करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो पहला पॉइंट अब है इसमें कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम इज डाइजेंटिक, दैट इज टू होस्ट ऑफ द कंप्लीटेड ऑफ लाइफ साइकिल, दैट इज फर्स्ट होस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंड होस्ट द सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट इज द मैन एंड सेकेंडरी होस्ट इज द पिग। द प्राइमरी होस्ट ऑफ द पिग मैन एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ द पिग एनिमल्स इज द कपलेटरी ऑर्गन द सीरास आर वेजाइना। द सीरास इज द ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द वेजाइना इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो मीन्स जब नर और मादा आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या है कि हर्माफ्रोडाइटिक फर्टिलाइजेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अब जो हर्माफ्रोडाइट है मीन्स इनके एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल एंड फीमेल। जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक में है तब जा करके वो क्या करता है कि स्पर्म अपना जो है मूविंग करता है फीमेल के वजाइना पोर पे, तब जाके फर्टिलाइज होते हैं। और इसमें जो प्रोग्लॉटिस में ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो है कैप्सूल फॉर्मेशन। जैसे एक बन जाता है तो उसको जो सराउंडिंग होते हैं उसमें थिक लेयर एक कैप्सूल बनाते हैं। द जाइगोट आर एक्सेल पॉसिबल टू द वू टाइप वेयर ईच बिकम ऑसिलेटेड विथ ए लार्ज योक सेल। योक सेल विटेलाइन प्रोवाइडेड बाई द विटेलाइन ग्लैंड। द टू बिकम इनक्लोज्ड ए स्किन। थिन सेल्स आर द क्रोमैटिक मेम्ब्रेन्स फॉर्मड एक्सक्यूडेड बाई द योक सेल। द कैप्सूल सो फॉर्म पासिस इंटू यूट्रस वेयर फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस। जैसे ही कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट, अभी तो कॉपुलेशन जितने भी हर्माफ्रोडाइटिक एनिमल्स हैं वो एक तरीके से फोल्ड करके जो है कॉपुलेट करते हैं। कॉपुलेट करने के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट बना तो वहाँ पे जब फर्टिलाइज एक्ट हुए तो वो क्या करते हैं कि वह कैप्सूल का निर्माण करते हैं। और कैप्सूल के निर्माण करने के बाद वो क्या करता है कि डेवलपमेंट शुरू होता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ टैप वार्म found in the indirect development, that is indirect development is the found three parts, cleavage, ये आपका जो है कि cleavage, marula, hexacanth and oncosphere, cleavage।
तो क्लीवेज में क्या होता है, विदलन, एनिमल फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलपमेंट शुरू होता है। तो डेवलपमेंट में पहला पॉइंट जो क्लीवेज है, क्लीवेज में विदलन होता है, जिसमें क्या है कि एक तरीके से अंडे जो मेनली अंडे होते हैं वो आपके जाइगोट है, जाइगोट के बाद वो टू सेल बनते हैं, टू सेल के बाद फोर, फोर के बाद एट, एट बनते हैं तो वहाँ पे माइक्रो और माइक्रो सेल्स होते हैं, और जब उसमें लार्ज आपके माइक्रो सेल और स्मॉल माइक्रो सेल्स होते हैं। तो माइक्रो सेल्स के जो है कि हमेशा वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जो माइक्रो सेल हैं वो एक तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो है कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे मारूला, तो मारूला मेगामियर डिवाइडेड फर्दर फ्रॉम द सेवरल सिमिलर मेगामियर्स व्हाइल द एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड रिपीटेड प्रोड्यूसिंग टू टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स, लार्ज एंड मेसोडर्मा एंड स्मॉल माइक्रोमियर एंड लार्ज मैक्रोमियर। तो जो मारूला होता है, क्लीवेज जैसे ही एंड होता है स्टूडेंट, वैसे मारूला, और मारूला जब होगा तो वहाँ माइक्रो और माइक्रो सेल्स होते हैं। माइक्रो सेल्स हमेशा फर्टिलाइजिंग सेल्स होते हैं, और माइक्रो सेल्स हमेशा जो है एक तरीके से मेटाबॉलिक का काम करता है। लास्ट वन हेक्साकेंड एंड ऑनकोस्फीयर, जो हेक्साकेंड होता है उसमें आपके सिक्स हुक पाए जाते हैं, और हुक का काम होता है कि वह स्मॉल इंटेस्टाइन को पूरी तरीके से, स्मॉल इंटेस्टाइन को वह कैसे एक तरीके से ब्लेड का काम, जो हुक होते हैं वो ब्लेड का काम करते हैं, और ब्लेड से वो जैसे ही उसमें घुसने का काम करते हैं, एक तरीके से जो टैप वार्म है हेक्साकेंड जो हुक होता है उससे घुस करके वो आगे की तरफ, इसमें क्या है कि 7 से 13 लेटरल ब्रांच होते हैं, और एक ब्रांच में कम से कम जो है 30 से 40 हज़ार उनको स्पेयर पाए जाते हैं। मतलब एक हेक्साकेंड में, एक उनको स्पेयर में कम से कम 30 से 40 हज़ार जो है उनको स्पेयर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये तो हमारा जो टॉपिक था, अभी इसमें और शेष बचे हुए हैं, तो ये टॉपिक मेरा जो है मेलडी आपके कपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन मारुलाई जो डेवलपमेंट हमने आपको आज के डेट में जो पढ़ाया वो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप टीनिया सोलियम का। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके जो टीनिया सोलियम है उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, और फीमेल्स के बाद उसका डेवलपमेंट था। तो मैंने आपको ये सब कंप्लीट कराया डेवलपमेंट वगैरह। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट हैं जिसमें हम आपको बताने चल रहे हैं, और ये मेनली जो हमारा टॉपिक है टाइप वन, ये जो है कि समाप्त होता है। थैंक यू।